हे स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर पे अच्छे से मोदी जी को सुन के लॉकडाउन होंगे और ये कोविड 19 से अपने आप को भी बचा रहे होंगे और बाकी सबको भी। तो चलिए भाई, अब से पढ़ाई का बहुत नुकसान आप लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। अब से क्लासेस रेगुलरली आपको मिलने वाली हैं यहाँ पर, जो मैंने नया अपना स्टूडियो अपनी छत पर सेटअप किया है वहाँ से। तो भाई, अब ये नए ओपन एयर सेटअप में आप लोगों क्लास आज से जब मैं चालू करूँगा, तो आप लोगों से एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस चाहिए कि जिस तरीके से मैं यहाँ मेहनत करूँगा, आप भी अपने घर से मेहनत करोगे, क्योंकि ये जो लॉस आने वाले टाइम में होने वाला है, इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल। कितने और दिन हमको ये फाइट जारी रखनी पड़ेगी कोविड 19 से, दिस इज़ नॉट एट ऑल प्रेडिक्टेबल। कुछ भी नहीं कह सकते यार, अभी तो ये लॉकडाउन पीरियड जो है ये गया हुआ है टिल 15th of April, और अगर सब कुछ 15th of April तक भी सही हो जाएगा तो प्रिवेंशन के तौर पे कुछ और एक्स्ट्रा डेज हम लोगों को घर पे रहना होगा। शायद कोचिंग क्लासेस, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, ये मई के मंथ में ही हम लोग ओपन करेंगे अगर सब कुछ अच्छा जाता है एज़ पर द प्लानिंग ऑफ आर ऑनरेबल PM। लेकिन अगर उससे ज़्यादा कुछ वर्स सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे हम लोग? अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे क्या? वो पॉसिबल नहीं है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो पढ़ाई अब से रेगुलरली आपको मिलने वाली है ऑन माय चैनल, ऑन माय ऐप अर्बन विद्या। सो गाइज, आज हम लोग Chapter 1 फ्रॉम फिजिक्स करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स का भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। तो सभी कुछ आपको इस चैप्टर में मिलेगा। आज हम लोग इसके फर्स्ट लेक्चर को चालू कर रहे हैं। सो ध्यान से आप लोगों को इस चैप्टर को पूरे टाइम मेरे साथ बने रहना है, और जितना मैं आपको सिखाऊं उसको घर पे आपको एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना है। अपनी रिफ्रेशर उठाइए, अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए, और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको डाउट मिलती है इस पूरे लेक्चर के बाद, तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे उस चीज़ के लिए कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके ऐप में जो चैट बॉक्स है वहाँ पे आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। सो चालू करता हूँ इस लेक्चर को राइट नाउ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? तो भैया, इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि चार्जेस के कारण है। चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे या फिर मोशन में होंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को मैंने डिफाइन तो कर दिया है, मगर आपको मैं बता दूं, आपको इस साल पूरा इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट पढ़ना है। तो भैया, पहले तो पार्ट्स हैं कितने ये देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन सा हमको क्लास 10th में आगे फोकस करना है। तो आप देखें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम के दो पार्ट्स आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन में मिल जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाती है ये ड्यू टू चार्जेस आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। तो रेस्ट और मोशन के जब चार्ज के साथ आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको ये दो फॉर्म मिलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट, तो इसी कारण से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इट विल बी एनर्जी ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। तो भाई, ये फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रेस्ट पर रहने वाले चार्जेस के कारण है। अब आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पार्ट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या बोला है, एनर्जी ड्यू टू चार्जेस इन मोशन। सो गाइस, चार्जेस जब मोशन में होंगे तो वो जो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इस तरीके से दो टाइप ऑफ अपने इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म्स पढ़ ली हैं। अब मैं इधर बोल रहा था कि आपको क्लास 10th में सिर्फ एक ही फॉर्म को आगे लेके जाना है, तो वो कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी विल बी द पार्ट जिसको हम लोग आगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोनों के ही कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को बता देता हूँ, सो दैट आप लोग यहाँ पर समझ तो पाएं कि कौन से पार्ट को आप छोड़ रहे हैं और कौन से पार्ट को आप आगे डिटेल में लेके जाने वाले हैं। सो गाइस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल आपने कहाँ देखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो थंडरिंग एंड लाइटनिंग आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी ड्यूरिंग दी रेनी सीजन, आई गेस, या कभी कभी तो आजकल तो किसी भी सीजन में आपको देखने को मिल जाती है, बट मोस्टली रेनी सीजन में आपने देखा होगा थंडरिंग एंड लाइटनिंग होती है। तो वो जो लाइटनिंग का फिनोमेना आप देखते हैं, दैट इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैं आपको याद दिलाता हूँ, कभी कभी आप बच्चों को जादू दिखाते थे, कैसे दिखाते थे वो जादू, आप स्केल लेते थे और अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं, उन ड्राई हेयर्स पे जब आपने अपने स्केल को रब किया और पेपर बिट्स या फिर आपकी पेंसिल का जो कचरा था उसको जब आप स्केल के पास लेके जाते थे तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाता था, तो वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती थी वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। और एग्जाम्पल चाहिए, चलो एक और दे देता हूँ। आप लोगों ने विंटर सीजन में स्वेटर वगैरह पहना होगा,
और पहनने के बाद अगर कोई आपके पास से गुजरा और उसने कभी आपको टच कर लिया, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है ऐसा जिसने आपको कभी ऐसा टच किया और उसके साथ आपने जब कॉन्टैक्ट में आए हैं तो आपको लगा होगा एक शॉक। तो वो जो शॉक, ऐसा कोई शॉक नहीं लगता है कि भाई आपको कोई डैमेज हो जाता है, मगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ भाई कुछ हुआ था। तो जब ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है ना, तो गाइज वो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको इनफ एग्जांपल्स दे दिए हैं, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी इस पर तो पूरा चैप्टर ही है इसके, लेकिन फिर भी आपको कुछ एग्जांपल एट दिस स्टेज तो बताने ही पड़ेंगे। तो भाई आप लोग अपने घर में फैन ऑन करते हो, फैन चालू हो जाता है, स्विच ऑन करते से ही घूमने लगता है, ऐसे घर में एन नंबर ऑफ डिवाइसेज हैं जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं और वो सब की सब इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलती हैं भाई। आपके घर में बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, एयर कंडीशन हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सभी कुछ चलता कैसे है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी चलता है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चलता है। आप बस स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करते से ही आपके घर में लाइट ही लाइट आपको दिखने लगती है, आपका फ़ैन चल जाता है, आपकी ट्यूबलाइट चल जाती है और न जाने क्या क्या, ये सभी कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि भाई ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से होता कैसे है, तो इस सब कुछ को दिखाने और बताने वाला हूँ मैं आपको आने वाले इस पूरे वीडियो में, इस पूरे वीडियोज़ की सीरीज़ में। सो इस चैप्टर को जब आप लास्ट वीडियो तक देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स जब करेंगे, तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर सब कुछ आपको इस चैप्टर में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ड बहुत ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीट हुआ, चार्जेस। आप लोगों में से चार्जेस पहले भी लोगों ने सुना है, क्लास 7th-8th की फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने वहाँ उसका नाम सुना है, बट मैं इसको दोबारा रिकॉल करूँगा और थोड़ा डिटेल्ड वर्जन में आपको चार्जेस पर बात करूँगा। तो चलिए देखते हैं चार्ज क्या है। सो गाइस अभी जब से आप लोग चार्ज 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 सुन रहे हो, तो अभी चार्ज को भी डिफाइन करने का टाइम आ चुका है। सो बेसिकली चार्ज होता क्या है, लेट मी टेल यू। चार्ज इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी। जैसे मास होता है ना किसी मैटर के लिए, मतलब कि होता ही है। इंटरनल प्रॉपर्टी, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा सा इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। इंट्रेंसिक मतलब अंदर की प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ होती है, और एक्सट्रेंसिक मतलब जो है वो होती हैं प्रॉपर्टी जो कि बाहर से आपको समझ में आती है। अगर एग्जांपल के लिए आप बोलो कि भाई मेरा रंग कैसा है, मेरी हेल्थ कैसी है, सो दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो आप मुझसे एसोसिएट करोगे तो वो आप मेरी एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टी बताओगे। अब मेरा नेचर कैसा है, मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ या मैं रफ स्पोकन हूँ, किस तरीके से बात करता हूँ मैं, किस टाइप का हूँ, मतलब जो मेरी अंदर की क्वालिटीज़ आप लोगों को अगर मालूम चलती हैं मुझसे मिलने के बाद, तो वो जो क्वालिटीज़ हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो यार देखो यार, ये तो हुई मेरी बात, अब मेरी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी में जानने में आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट तो होगा नहीं। सो बेसिकली चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज किसके लिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैं बता देता हूँ। चार्ज किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर सकता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स। कर सकता है इसीलिए क्योंकि कई बार कई केसेस में न्यूट्रल भी होते हैं बॉडीज़, और उस केस में ना तो अट्रैक्शन होगा और ना रिपल्सन होगा। लेकिन हाँ, अगर कभी कोई चार्ज उन ऑब्जेक्ट पर जनरेट हो जाता है किसी सर्कमस्टेंसेस में, तो फिर वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती हैं। तो इसीलिए ये जो डेफिनेशन आपको मैंने चार्ज की बताई है वो क्या है, चार्ज इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्चू ऑफ विच ऑब्जेक्ट आइदर एक्सपीरियंसेस द अट्रैक्टिव फोर्स और द रिपल्सिव। सो गाइस चार्ज को क्लासिफाई कर लेते हैं आप। तो चार्ज जो है वो क्लासिफाई होता है दो तरीके से, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज बेसिकली कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज बेसिकली कैसे बनता है, ये क्लास 9th में भी आपको बताया गया होगा। तो मैं आपको क्लास 9th का वो कॉन्सेप्ट एक बार बताता हूँ। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा, कहाँ पढ़ा था 9th क्लास की केमिस्ट्री में, मैं याद दिलाता हूँ आपको। आप लोगों ने आयंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो बेसिकली कोई भी एटम आयंस में कन्वर्ट कैसे होता था, देखो भाई आयंस दो टाइप के होते थे, पॉजिटिव आयन को आप कैटायन बोलते थे और नेगेटिव आयन को आप एनायन बोलते थे, लेकिन वो बनते कैसे। सो गाइस एटम की जब हम बात करते हो, तो एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बराबर। लेट अस सपोज कि यहाँ पर आपके सामने 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं यहाँ पर लूज कर दूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैं अगर लूज कर देता हूँ किसी तरीके से, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद प्रोटॉन्स, क्योंकि वो होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, तो वो तो 11 के 11 हैं, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन है उनकी क्वांटिटी हो चुकी है कितनी, वो हो चुकी है 10। तो इधर पे प्लस 11 और यहाँ पर माइनस के 10 बचे,
तो अब इसको अगर आप नॉर्मली ऐड करते हो तो कितना बनने वाला, आपको मिलने वाला प्लस का वन। तो अब अगर आपको प्लस वन मिल रहा है तो प्लस वन का मतलब हो गया कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो भाई इस तरीके से आपको पॉजिटिव चार्ज समझ में आया। नेगेटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज कैसे आपको पता लगेगा, सपोज कर लीजिए कि आपके पास एटम जो था ना वहाँ पर आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियस है एटम बोल रहा हूँ, 9 प्रोटॉन्स भी होंगे। तो अब किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में यहाँ पर आ गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 10। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास माइनस का 10 है और प्लस का 9 ही है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी बढ़ते घटते नहीं है। तो इस तरीके से आपने माइनस का 10 और प्लस का 9 देखा, तो जो नेट रिजल्ट आपको मिल रहा है वो नेट रिजल्टेंट है आपका माइनस का 1। तो जो नेट रिजल्टेंट है वो आपका माइनस का 1, और माइनस का 1 अगर आपको मिल रहा है तो चार्ज मतलब आपको कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। तो भाई इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज हमारे आसपास हम देख सकते हैं, और इसीलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या लिखी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज इज डिनोटेड बाय, तो आई गेस आपको क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करूंगा कि भाई चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं। तो चार्ज को डिनोट करने के लिए यहाँ पर हम दो तरीके के सिंबल यूज़ कर सकते हैं, आइदर यू कैन यूज़ कैपिटल क्यू और यू कैन यूज़ स्मॉल क्यू। एसआई यूनिट अगर आप मुझसे चार्ज की पूछते हो तो वो होती है कूलम, और कूलम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी। सो अभी इसकी आप डेफिनेशन में इंटरेस्ट थोड़ी देर के लिए मत लो, बाद में मैं खुद ही आपको बताने वाला हूँ। हाँ, ये एसआई यूनिट है। अब ऐसा यूनिट तो आप जानते हो, 9th क्लास से ही आप पढ़ रहे हो, तो उस पर मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। CGS यूनिट क्या होती है भाई, CGS यूनिट इज़ फर्दर स्मॉलर यूनिट। CGS का फुल फॉर्म आप सबको मालूम होगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। CGS जो होता है इसको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो यहाँ पर जो आपका चार्ज के लिए CGS यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम। स्टैट कूलम के साथ साथ इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, और इसीलिए इसको हम जब लिखते हैं तो इसको ESU लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलम और एक ESU में क्या रिलेशन हो सकता है, तो वो रिलेशन आपके सामने है। 1 कूलम इक्वल्स टू 3×10^10 ESU, मतलब 3×10^10 ESU बनाते हैं 1 कूलम। सो गाइस, ये इस तरीके से आपने देखा कि चार्ज क्या होता है। अब चार्ज के हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज को देखना है, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज चार्ज की होती हैं। सो गाइस, बेसिकली आपने देखा कि यार इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज रिलेटेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही चार्ज होता है। तो आओ ये देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6×10^-19 कूलम। तो भाई ये जो क्वांटिटी है इसे आप ज़रा देखें, दिस इज वॉट अ वेरी फीबल अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास बहुत 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 कम चार्ज है। अब ये कम क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप इसकी ये यूनिट को देख के समझ जाइए। यूनिट तो कूलम है, लेकिन ये एक कूलम का कौन सा पार्ट है। 1.6×10^19, और 10^19 को जब आप कंप्लीटली एक्सप्रेस कर लोगे तो आप समझ सकते हो कि ये बिलियंस विलियंस को भी बहुत आगे तक क्रॉस करके जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इसका अंदाज़ा लगाने को बोल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन कितना छोटा चार्ज अपने पास होल्ड करता है, कितना छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन में वो होल्ड करता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6×10^-19 कूलम, 10^-19, मतलब ये न्यूमेरिकली ये वैल्यू काफ़ी छोटी है। तो अब आप यहां से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में चार्ज को देखना है तो एक कूलम बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। कितना बड़ा हो जाता है इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर दूं कि एक कूलम के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे तो उसका आंसर क्या है। आओ मैं करके दिखाता हूँ आपको, फिर बात करूँगा। सो गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई 1 कूलम के लिए हम लोगों को कितना चार्ज इकट्ठा करना पड़ेगा। 1 कूलम के लिए 1/1.6×10^-19 इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1 कूलम चार्ज। इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको फर्दर मैं अगर सॉल्व करता हूँ, तो कैलकुलेट करने पे मुझे मिलेगा 6.25×10^18। तो मतलब 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप एक्यूमुलेट करते हो तो आपको मिलने वाला है 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो यार अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे।
सो गाइज, आपने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों चीज़ें देख ली, आप लोगों ने चार्ज को देख लिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ये आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में देख लिया, लेकिन चार्ज में डिफरेंस नहीं है. यस, आई एम सेइंग इट करेक्ट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है. चार्ज ऑन वन प्रोटॉन भी अगर आप देखोगे, सो वन प्रोटॉन के लिए मैं अगर चार्ज लिखूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. अब बेसिकली चार्ज तो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन इसको मुझे यहाँ पर दो अलग अलग सेपरेट एंटिटीज़ का बताना है कि भाई एक अलग तरीके का चार्ज है, दूसरे अलग तरीके का चार्ज है. दोनों हैं अमाउंट में इक्वल, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मगर क्योंकि उनमें एक डिफरेंस है, एक डिनोशन का डिफरेंस है, इसलिए उसकी पोलैरिटी शब्द को यहाँ पर ध्यान सुनिए. पोलैरिटी बताने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस के साइन को यहाँ पर लगाना चाहूँगा. तो जो पॉजिटिव पोलैरिटी वाला चार्ज है वो प्रोटॉन के कारण है और उसको हम बोलेंगे 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और जो नेगेटिव पोलैरिटी वाला चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, उसको हम बोलेंगे 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. याद रखें, ये प्लस और माइनस मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस इनका नहीं है, क्योंकि अगर मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस होगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक उसी तरीके से जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं नंबर लाइन पर माइनस टू बनाइए और प्लस टू बनाइए, सो एवरीवन नोज कि माइनस टू और प्लस टू कितनी दूर हैं, दे कैन नॉट बी सेट इक्वल. बट मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन मैग्नीट्यूड बराबर होता है, सिर्फ और सिर्फ ये पोलैरिटी इंडिकेट कर रहा है, इसका मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है. Mind it guys. तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में with some more properties of charges. Till then, stay tuned. Bye-bye.